अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो टाटा। सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ पॉप आर्ट। वेल आई एम ट्राइंग टू मेक हॉट पिंक कलर। इट्स फॉर डिफिकल्ट टास्क फॉर मी मोर देन पेंटिंग। अच्छा तो यहाँ पर मैं ढीठों की तरह काम कर रही थी, अचानक से मेरे भाई की एंट्री होती है। हम उनसे सवाल करते हैं, ये यहाँ से ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक, ये क्या कर दिया, अरे पिंक कलर, इस तरह के सवालात कर रहा था। तो मैंने भी ढीठों की तरह एक जवाब दिया, सिर्फ ये कहा, ट्रस्ट दी प्रोसेस। एज ऑलवेज मैं यही कहती हूँ। ब्लैक कलर। सो ब्लैक कलर की मैंने पहले एक ट्यूब उठाई कि चलो ये काम आ जाए, इसका डिएंड करती हूँ। माशाल्लाह उसने मुझे करने नहीं दिया डिएंड। फिर मैंने देसी आर्टिस्ट की तरह देसी लड़की का हक अदा करते हुए देसी तरीके अपनाए, नहीं हुआ। फिर ट्यूब उठाई, ट्यूब भी फाड़ी, फिर अपनी सही वाली ट्यूब उठाकर यूज़ की, मतलब मोए मोए हो गया मेरा हाथ। अच्छा मैं बड़ी आराम से लगी हुई थी, करी जा रही थी, अचानक मेरी नज़र पड़ी एक निशान पर और मेरा निकला, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा। और फिर मैंने इसको सेट किया, फाइनली हो गया, शुक्र है। की बात है, कोई भी पॉप आर्ट बनाना आसान नहीं है ब्रो। मतलब पेंट ब्रश को एक स्केच पेज पर कंट्रोल करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, सीरियसली। मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे एक एक पॉइंट पर, मैं जब भी वो लाइन ड्रॉ गई थी मेरे हाथ कांप रहे थे, अभी गलत ना कर दूँ, और मैंने बहुत गलतियाँ की है सीरियसली।
काफ़ी गलतियाँ हमने शो नहीं की, लेकिन बहुत बंट मारे भाई, बंट तो मैंने बहुत ही मारे, कैसे ज़िंदगी में मारी हूँ वैसे। Well, I just want to say, so elegant, so beautiful, just looking like come and cheer. समझ गए?